हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमा नेगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पहाड़ मेरे मुल्क और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। और अभी जो है हम कोटेश्वर में हैं, तो ये है मेरी दोस्त शिवानी, इसी की वजह से मैं यहाँ कोटेश्वर आई हूँ। और यहाँ पे जो देख सकते हैं रेत ले जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं कोटेश्वर की ओर। अभी हम रास्ते में आए हैं। शिवानी कैसा लग रहा है? कुछ ना, हमेशा आती हूँ मैं तो यहाँ तो मैंने शिवरात्रि पहली बार आ रही है। नहीं, पहली बार दूसरी बार आ रही, लेकिन मैंने सोचा था शिवरात्रि पे आऊंगी। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हर दिन लगता है। तो मैंने सोचा शिवरात्रि पे आऊंगी, लेकिन इस टाइम पे जो है जल्दी आ गई, पहुंच गई हमारी बदौलत। हाँ, शिवरात्रि से पहले 3 दिन है। और ये भी है हमारे दोस्त। तो गाइस, हम अभी जो है कोटेश्वर पहुंच चुके हैं। तो मैं कोटेश्वर धाम के आप जो यहाँ की स्टोरी सुनाती हूँ, जो बहुत पौराणिक कथा है, तो मैं आपको सुनाती हूँ चलते चलते। तो गाइस, कोटेश्वर मंदिर जो है रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ की लोकेशन जो है बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। और यह मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो गाइस, कहा जाता है कि यहाँ शिवजी जो है भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में आए थे, कोटेश्वर धाम में आए थे, तो तभी से यहाँ का नाम जो है कोटेश्वर पड़ा है। तो मैं सुनाती हूँ यहाँ की कथा। तो गाइस, कहा जाता है कि भस्मासुर ने जो है शिवजी से ही वरदान मांगा था कि मैं किसी के भी सर पे जो है हाथ रख दूँ तो वो भस्म हो जाएगा। तो उसका नाम उसी वक्त से भस्मासुर पड़ चुका था। और उसने एक गलती ये कर दी कि उसने कहा मैं शिव पे जो हूँ शिव जी को जो है भस्म कर दूँगा। तो उसने ये सब सोचा कि मैं शिव जी को भस्म कर दूँगा, तो उसी वजह से जो है शिव जी को जो है यहाँ आना पड़ा और भगवान विष्णु का जो है जाप करना पड़ा। उसके बाद जो है विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया। तो गाइस, यहाँ का ठंडा ठंडा पानी, मतलब बहुत ठंडा पानी है यहाँ का। और यहाँ जो है दिल को सुकून देने वाला दृश्य है, अद्भुत दृश्य, जिसका मैं जो हूँ बता नहीं सकती, इतना सुंदर दृश्य। गाइस, हम लोग जो है कोटेश्वर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नदी है और काफी गहरा पानी भी है यहाँ पे थोड़े। तो अभी चल रहे हम मंदिर की ओर, हाथ क्योंकि हाथ मुंह धो लिया है हमने यहाँ पे। नहीं धुला तो कोई बात नहीं, इसका चलेगा। तो मैंने धुल लिया है, तो अब मंदिर में चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी बड़ी सीधी चट्टान है और इनके बीच से निकलते हुए पेड़ हैं। और इन चट्टानों पे जो है विशेष किस्म की जो है अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ जो है पाई जाती हैं। और यहाँ से जो है सुंदर सा दृश्य अलकनंदा नदी का,
जो कि बहुत ही सुंदर। तो गाइस अब हम जो है घर जा रहे हैं, क्योंकि घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि हमने दर्शन वगैरह कर दिए और फोन जो है अंदर ले जाना जो है मना है। मैं ले जा सकती थी लेकिन मैं ले नहीं गई, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं था, पर रूल्स को भंग क्यों करें हम, तो इसीलिए हमने कोई फोन कैमरा फोटो कुछ नहीं खींच रही, हमारे साथ परेशान हो रही है। तो अभी जो है हम घर जा रहे हैं। भैया कितने रुपए देते हैं इसको ले जाने के ऊपर तक? 100 रुपए। 100 रुपए एक कट्टे का? अभी तक कितने कट्टे ले गए हो? 12-14। अच्छा, डेली ले जाते हो कभी कभी? डेली हम। अच्छा, ले चल धन्नो चल। हम यहाँ पे जो ट्रिपलिंग में आए थे और ट्रिपलिंग में जा रहे हैं। ए शिवानी शिवानी की ड्राइविंग देखते हैं इस गड्ढों में। चल हो गई चल हो गई। हाँ हो गया, हो गई इन खड्डों में। हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा है। चलो बाय। ठीक है, हाँ ठीक है, आऊंगी तब देखते हैं, जिस दिन छुट्टी मिलेगी उस दिन। ठीक है बाय। ठीक है चलता बाय। तो गाइस शिवानी लोग तो चले गए, तो मैं जो हूँ थोड़ा सामान ले आती हूँ गुप्ते के लिए, छोटा सा खिलौना और कुछ और सामान ले आती हूँ, और उसके बाद जो मैं हूँ घर चलती हूँ। और काफ़ी अच्छा लगा कोटेश्वर जाके, तो थोड़ा सामान लेने के बाद चलते हैं हम घर की ओर। तो गाइस मैं पहुँच गई घर पर और सामान भी ला चुकी हूँ पूरा। तो गाइस आज के लोगों को जो है हम यहाँ रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और वहाँ के कोटेश्वर की जो स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।